हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। गर्भवती महिला व उसके पति को पीटकर किया घायल, पीजीआई रोहतक में समय से पहले कराई डिलीवरी। सिसाना गांव में एक परिवार की 3 सदस्यों ने गर्भवती महिला व उसके पति को पीटकर घायल कर दिया। गर्भवती महिला की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक में समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ी, जिसके कारण माँ व बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। सुमित ने बताया कि जब वह अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी सविता के साथ घर पर था, तो उसके घर पर विजेंद्र नशे की हालत में अपनी पत्नी व अपनी माँ के साथ अंदर आ गया। उन्होंने आते ही रसोई के उनके बर्तन बाहर फेंकने शुरू कर दिए। बाद में उन्होंने उसके व उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने उसकी पत्नी के पेट में लात मार दी और विजेंद्र की पत्नी ने बाल पकड़कर उसकी पत्नी को नीचे गिरा दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी सविता को ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। उसे गंभीर अवस्था में पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहां उन्हें समय से पहले अपनी पत्नी की डिलीवरी करानी पड़ी। अब मां व बच्चे की गंभीर हालत बनी हुई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार। गोरड़गांव में पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गाँव में गश्त की जा रही थी। इस दौरान एक युवक अपने सिर पर एक प्लास्टिक का कट्टा लेकर आ रहा था, लेकिन वह पुलिस को देखकर वापस जाने लगा। पुलिस को शक हुआ तो उसे रोककर प्लास्टिक के कट्टे की जांच की गई, जिसमें 21 बोतल देसी शराब पाई गई। युवक की पहचान ईश्वर गोरड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बिजली विभाग के एक लाइनमैन ने दूसरे लाइनमैन व विभाग के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ DCP सोनीपत को शिकायत देकर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। सलीम सर माजरा निवासी राकेश ने बताया कि वह न्यूमैक कंपनी के अधीन बिजली विभाग में लाइनमैन का कार्य करता है। 11 मई को उसकी ड्यूटी झरोट झरोठी कवाली में थी। सुबह 11 बजे के करीब लाइनमैन मंजीत का उसके पास फ़ोन आया कि खरखुदा के 8 नंबर ट्रेन पर लाइन खराब पड़ी है, उसे ठीक करना है। जब वह वहाँ पहुँचा तो लाइनमैन मंजीत ने कहा कि मैंने पीछे से लाइन कटवा दी है, इसलिए खंभे के ऊपर चढ़कर लाइन ठीक कर दो। जब वह बिजली ठीक करने के लिए खंभे के ऊपर चढ़ा तो उसे जोर से बिजली का करंट लगा, जिसके कारण वह नीचे गिर गया। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी, बाएं साइड की पसली, बाएं साइड का पैर टूट गया और दोनों हाथों की हथेलियाँ करंट लगने के कारण पूरी तरह जल गई। उसे इलाज के लिए खरगुदा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ पुलिस ने कागजों पर उसके अंगूठे करवा लिए। उसने आरोप लगाया कि लाइनमैन मंजीत ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं होने दिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल ले जाया गया। वहां पर भी लाइनमैन मंजीत व अन्य कर्मचारियों ने उसका मामला दर्ज नहीं होने दिया। इसके बाद उसे दिल्ली के ड्रामा सेंटर में रेफर किया गया, जहां पर हेड कांस्टेबल मनीष कुमार ने उसके परिवार वालों से कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर व अंगूठे लगवा लिए, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। अब 7 जून को हालत ज़्यादा ख़राब होने के कारण परिजनों ने उसे इलाज के लिए सोनीपत के ऑस्कर अस्पताल में दाखिल कराया। अब भी वह इसी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। अब तक उसके इलाज में उसके परिजन लगभग 7 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। इस हादसे में लाइनमैन मंजीत व बिजली विभाग के अन्य कर्मचारी व अधिकारी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सिसाना गांव के गोहाना मार्ग पर स्थित 8 नंबर ड्रेन पर एक पेड़ पर एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके पर शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी पहचान के लिए लोगों से मदद ली जा रही है। रविवार को करीब 1 बजे ग्रामीणों ने वृद्ध व्यक्ति के शव को पेड़ से लटका हुआ देखा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवा कर अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। खरखोदा के डॉक्टर अमर सेठी हॉस्पिटल में एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य किया गया था, जो काम कंप्लीट हो चुका है। लाखों रुपए की लागत से बड़ी मशीन ने बड़ा ओटी तैयार किया गया है और उसमें आज एक महिला का ऑपरेशन भी किया गया। सफल ऑपरेशन उनका हुआ है, पहला ऑपरेशन है जो खरखोदा के डॉक्टर अमर सेठी हॉस्पिटल में यह ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टरों ने आज इस ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन भी किया और बड़ी अच्छी यहाँ शुरुआत हुई है। डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा का कहना है कि पहले खरखोदा के मरीजों को किसी भी तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या बढ़ती हुई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक ओटी का निर्माण किया है।
आधुनिक मशीनों से युक्त है और उसकी आज शुरुआत भी हो गई है, तो लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेसर सीमेंट बदरपुर एएसी ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।